हेलो गाइज, और आज हम निकले हैं एक बहुत ही खूबसूरत टूर पे जिसका नाम है भीमलकोट। और भीमलकोट का मंदिर का आपका दर्शन कराते हैं जो अलमोड़ा डिस्ट्रिक्ट के पुनौनौला क्षेत्र में है। तो चलिए आज का सफर शुरू करते हैं। आज का सफर होने वाला है बहुत ही रोमांच भरा। तो यार दोस्तों, हमने कर लिया है कच्चीर सड़क का लगभग लगभग 15 से 20 किलोमीटर का सफर तय, और अब आ चुकी है पक्की सड़क। और पक्की सड़क का नज़ारा काफ़ी खूबसूरत है और चलाने में भी बिल्कुल आसानी होगी, क्योंकि कच्ची सड़क में तो हमको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इसलिए अभी लिए कच्ची सड़क की एक लॉन्ग वीडियो नहीं बना पाई। देखिए पक्के सड़क में हम आ चुके हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं यह एक ग्रामीण पक्की सड़क है। और इसके बाद हम पहुंच जाएंगे नेशनल हाईवे में, तो थोड़ी देर के बाद आपको दिखाते हैं नेशनल हाईवे का सीन। तो यार दोस्तों, हमने कर लिया है ग्रामीण सड़क का कच्चा रास्ता पूरा, और अब आ चुके हैं नेशनल हाईवे में। तो ये नेशनल हाईवे का नज़ारा काफ़ी सुनसान है, जैसे कि यार लॉकडाउन है तो वाहन काफ़ी कम चल रहे, फिर भी वाहन के पचास तो है ही, ऐसा भी है कि ना के बराबर हो, लेकिन नजारा होने वाला है बहुत ही शानदार। यह है एक छोटा सा गांव मनियागर, मनियागर में आ चुके हैं हम अपने सफर को आगे अंजाम देते हुए। तो आगे का सफर होने वाला है बहुत ही रोमांच भरा, तो बनी रही हम। तो यार दोस्तों, मनियागर का नज़ारा काफ़ी शानदार है, चारों तरफ हरियाली है और पक्की सड़क है, तो चलाने में काफ़ी आसानी। तो यार दोस्तों, हमारे सामने आ चुका है बहुत ही बड़ा ट्रक, और आगे का रास्ता इसलिए पूरी तरह ब्लॉक कर दिया है, आगे बढ़ने में कठिनाई हो रही है। देखिए ये बारिश के चक्कर में हमारा नेशनल हाईवे भी खराब हो गया है, क्योंकि कच्ची सड़क जैसा फील हो रहा है। और हमने ट्रक को छोड़ दिया पीछे और आगे का सफर शुरू करते हैं, काफ़ी रोमांच भरा होने वाला है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हुए हमारे सामने आ चुका है और एक छोटा सा कस्बा जिसका नाम है तोली। तोली भी बहुत एक बड़ा और सुंदर गांव है। देखिए यहाँ पे कुछ दुकानें, दुकान वाले काफ़ी व्यवस्थित है, जिसका नाम है पन्नौनौला। और पन्नौनौला की मार्केट काफ़ी खूबसूरत है, दिखाते हैं आपको पन्नौनौला का नज़ारा। यह हो चुका है पन्नौनौला का स्टार्टिंग पॉइंट, देखिए यह है पन्नौनौला की स्टार्टिंग, और यह वेलकम करती है आपका अपने क्षेत्र में। पन्नौनौला की मार्केट काफ़ी खूबसूरत और आश्चर्यजनक है। काफी मजा आ रहा है, बस कच्ची रोड आने वाली है। नज़ारा देखिए बारिश के टाइम पर क्या अच्छा नज़ारा हुआ, हरियाली है चारों तरफ, हरियाली हरियाली है यार, काफी मजा आ रहा है। एक तो काफी लंबा एडवेंचर है यार, जिसमें नहीं तो हम जंगली जंगल निकलते हैं यार, ऐसा है पूरी रोड ही गई है मंदिर तक, तो इसलिए जा रहे हैं। लेकिन रोड देखिए यहाँ कोई दिखाई, एक भी व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहा, कोई गाड़ी वाला दिखाई नहीं दे रहा, काफी मजा आ रहा है यार, कोई दिखाई नहीं आ रहा बहुत मजा आ जान में यार, कुमाऊनी कल्चर में जरूर है एक बार यहाँ दिखा दी। और पक्की सड़क से कच्ची सड़क में और यह सड़क थोड़ी खतरनाक है, जैसे क्या देखो ये देखिए काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और यहाँ पर देखिए दोस्तों कच्ची रोड पर आज के काफ़ी मज़ा आ रहा है कच्ची रोड।
बाइक ऐसा हो रहा है, पिकअप भी देखिए चली पा रही है, देखो पिकअप में हिट ना पा रहा है, रोड बहुत खराब है जगह में। देखिए यार रोड रोड में कोई ना होगी तब, देखो रोड टूट रहा है जाग जाग में यार, हमको सफर तो उठी लेकिन चलू मतलब दिक्कत नहीं, क्योंकि यार रोड देखो जती तस्ती जती तस्ती दिखता है ये देखो भाई। अब करीबन 4-5 किलोमीटर का और रास्ता बचा है, बचा थोड़ा सा यार, कम से कम हम घर से इसका मतलब 40-50 किलोमीटर दूर आ चुके हैं। रोड तो ऐसी होगी हाथ में दर्द होगी रोड से मारे, और हम आते हैं इसके दरवाजे मतलब गेट पास मंदिर के प्रथम गेट पे, आपको हमने बहुत कल्याण पहला गेट मंदिर का और दूसरा गेट आने वाला है, और थोड़ी आगे चल के हम अपने गाय बाइक यहीं पर रुकेंगे। धन्यवाद गाइज, हम आ चुके हैं मंदिर के नीचे मतलब गेट, तो ये जो पहला गेट है हमने क्रॉस करके दूसरे गेट से आगे आ चुके हैं, हमने बाइक यहीं पे पार कर दी जैसे कि आपको देख रहे हैं। सीढ़ियाँ पैदल चलेंगे तो मंदिर जाएंगे, तो इसी के साथ तुम बड़ी राह हमें ब्लॉग में हम तुमको मंदिर का नज़ारा दिखाऊंगा। सो यार गाइस यह है मंदिर का पहाड़ और इस पहाड़ की चोटी में है वह मंदिर, तो यार सफ़र काफ़ी रोमांच भरा होने वाला है और काफ़ी चढ़ाई है, और बाइक में वैसे एक कच्चे सड़क के चक्कर में एक अलग ही थकान है हमारे अंदर, तो ये चढ़ाई चढ़ने में हमको बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, तो बने रही हमारे। तो दोस्तों जैसे हम देख चुके हैं हम मंदिर के गेट के अंदर पहुँच चुके हैं, तो हम आपको अंदर का नज़ारा देखें, तो आप बने रहे हमारे चैनल पर, आप बड़े लो हम तुमको भीतर नज़ारा दिखा दूँ भीतर मंदिर का, तो हमें चैनल में बढ़ी रहा तुम। तो यार दोस्तों देखिए जैसे हमारे आगे से लोग भी चल रहे हैं, तो हम जा रहे हैं, इसी के साथ बने रहे हमारे चैनल पे और देखते रहे अंदर का नज़ारा। अब तो यार गाइज हमने क्रॉस कर लिया 100-150 सीढ़ियाँ और अभी करीब 200-250 सीढ़ियाँ और है, तो आगे का नज़ारा काफ़ी खूबसूरत होने वाला है, तो बने रहिए हमारे साथ हमारे ब्लॉग पे। ये जो नीचे सड़क दिख रही है इससे हमने अपनी बाइक पार्क की है और यहाँ से ऊपर को आए हैं, तो यार इस टाइम में बिल्कुल नहीं थक चुके हैं पूरी तरह से। तो यार गाइज जैसे आप देख सकते हैं कि माँ के दर्शन के लिए काफ़ी श्रद्धालु आए हुए हैं क्योंकि हमारे आगे चल रहे हैं एंड हम कर रहे हैं इनको फॉलो। सो यार वीडियो काफ़ी रोमांच भरी होने वाली है, तो आपको सीधे मंदिर के अंदर जाके मंदिर का नज़ारा दिखाते हैं। ओके सो यार गाइज हम पहुंच चुके हैं मंदिर के काफ़ी करीब, ये ऊपर का नज़ारा तो आप देख रहे हैं यहीं पे है मंदिर, और मंदिर में काफ़ी भीड़ है भक्तों की, हर कोई अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए यहाँ पे आया हुआ है, तो हम भी चलते हैं और दिखाते हैं आपको मंदिर के अंदर का नज़ारा जो काफ़ी खूबसूरत है, और इस एरिया की सबसे ऊंची चोटी में स्थित है वो मंदिर, जैसा कि आप देख सकते हैं कि दूर दूर तक कोई भी ऐसी पहाड़ी नहीं है जो इस पहाड़ी के बराबरी हो। तो दोस्तों जैसे आप देख चुके हैं तो मंदिर आ चुका है, तो हम मंदिर के अंदर लेके चलते हैं, तो देखिए यार मंदिर में काफ़ी लोग आए हैं, तो इस कारण भीड़ भी है। तो दोस्तों देखिए मैं तो पहली बार आ रहा हूँ, मेरा दोस्त यहाँ पहले आ चुका है, इसी के साथ हम मंदिर के अंदर ले चलते हैं, आपको बने रहे हमारे चैनल पर। और यार दोस्तों देखिए मंदिर एक काफ़ी वो है लाजवाब है, तो इस तरह मंदिर के अंदर देखिए यार मैं तो पहली बार आ रहा हूँ, तो इसी के साथ यार देखिए पानी यहाँ पानी की व्यवस्था की गई है, तो सारी जगह यार अच्छा है। तो यार दोस्तों देखिए यार हम आपको नई से नई जगह लेके जा रहे हैं, तो आप हमारे चैनल को यार सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल का बहुत दबाव। तो यार देखिए यहाँ पानी का नल है, यहाँ से अंदर जाना है, यहाँ से अंदर है मंदिर, यहाँ पानी का नल है, यहाँ पहले हाथ हाथ धोने पड़ेंगे फिर अंदर जाना पड़ेगा। हाँ दोस्तों देखिए मंदिर के हम ठीक के अंदर है, मंदिर है साथ में, ये साथ में मंदिर है, देखिए मंदिर के अंदर जा रहे हैं, तो आपको आप मंदिर के साथ अंदर का नज़ारा काफी रोमांचक है, दिखाने लायक है, आप तो देखिए यह है यहाँ का सबसे भीषण मंदिर। ये देखिए यहाँ पूजा होता है, तो यार देखिए यहाँ जो जो मनोकामना मांगते हैं तो यहाँ पूजा करते हैं, तो अंदर मंदिर है वो पंडित जी है, तो यार देखिए मंदिर काफ़ी अच्छा है। तो यार इसके साथ आप हमारे चैनल पर बने रहे, तो यार दोस्तों देखिए कुछ लोग बहुत आए हैं क्योंकि यार पूजा होती है, दरअसल ये है कि मंदिर बहुत बहुत पुराना है क्योंकि यार यहाँ लोग आते, तो यार दोस्तों देखिए यार मंदिर काफ़ी अच्छा है, इस मंदिर की खासियत है सबसे ऊंचाई पे मंदिर है, ये मंदिर को देखिए इसके आसपास नज़ारा देखिए, काफ़ी नीचे गांव है, सबसे ऊंची में जगह है मैं है मंदिर है, क्या कहते हैं माता का मंदिर है, तो यार मंदिर का नज़ारा एक काफ़ी अच्छा है। तो यार दोस्तों यार एक तरफ से बने रहे लोग जिसके अंदर भी जाएंगे यार, तो आप इसी के साथ बने रहे हमारे चैनल पर। मंदिर है यहाँ कहते हैं मंदिर काफी अच्छा है, तो इसी के साथ देखिए इसी के साथ हम मंदिर के अंदर भी जाएंगे, तो आप चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल पे बने रहे इंटरटिप्स पे।
यार दोस्तों हम अपना सारा सामान लेके नहीं आए क्योंकि यार बहुत दूर का सफर किया है हमने। नीचे क्या कहते हैं रोड काफी खराब थी, तो रोड के कारण जिस कारण हमारी बाइक टूट गई, तो देखिए यार रोड काफी खराब थी इस कारण हो गया। तो यार देखिए चैनल यार मंदिर यार काफी अच्छा है क्योंकि यार हमें किसी व्यक्ति ने बताया था कि ये यहाँ मंदिर है करके, इसलिए हम आए। तो देखिए मंदिर की खासियत है कि सबसे ऊंची जगहों में मंदिर है यार, काफी अच्छा मंदिर है। तो यार इसके साथ यार दोस्तों हमारे चैनल पर बने रहे, तो हम अपना सारा सामान नहीं लेके आए क्योंकि यार हम बहुत दूर से आए, तो सामान नहीं रख के आगे तो बाइक की बात। तो इसी के साथ हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, तो इसी के साथ बने रहे इंडिया टिप्स पे। तो यहाँ देखिए काफ़ी वो है एक पंडित जी भी यहाँ है, क्या कहते हैं इस मंदिर के बारे में हमें कुछ बताएंगे। माता रानी की मंदिर है, इस मंदिर की कोई व्यवस्था पूरी व्यवस्था है, सारी व्यवस्था भागवत होते हैं, शादी ब्याह वगैरह होते हैं यहाँ। ये 1515 ईस्वी पूर्व का मंदिर है। देखिए जैसे वो बता रहे मंदिर काफी वो है और काफी अच्छा मंदिर है क्योंकि यहाँ शादी आदि सब होती है, हर मन्नत पूरी होती है, हर मन्नत पूरी होती है क्योंकि यहाँ श्रद्धालु दूर दूर से आते हैं, यहाँ काफी लोग आए। देखो अभी भी भीड़ हो रही है यहाँ। तो यार देखिए काफी अच्छा मंदिर है, तो आप यहाँ आना चाहोगे तो आना, आप इसके बता सकते हैं कमेंट में कि आप आने चाहते हो, हम आपको यहाँ लेके आएंगे। तो इसी के मंदिर का इतिहास इसमें देखा है, मंदिर के बारे में सारा लिखा है कि कहाँ क्या है, कहाँ क्या है करके यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है। तो आप इसे पढ़िए, तो देखिए आप यहाँ बहुत ऊंची जगहों में है। तो यार देखिए लोग भी काफी जमा हो चुके हैं यहाँ पर, बच्चे भी आए हुए हैं। तो दोस्तों जैसे देखते हैं अंदर का नज़ारा, अंदर का मंदिर है, मैं आपको अंदर का नज़ारा दिखाता हूँ। तो यहाँ देखते हैं पंडित जी हमारे सामने हैं। तो यार दोस्तों देखिए यार मंदिर देखिए कितना अच्छा मंदिर है, माता का मंदिर है, ये मेन मंदिर है यहाँ का, माता भगवती विमलकोट करके शक्तिपीठ है, वैष्णो शक्तिपीठ, यहाँ हर मन्नत पूरी होती है आदमी भाव से। तो ये 1515 ईस्वी पूर्व मंदिर है जो मुगल साम्राज्य के टाइम पे बना था। तो अभी इसका जीर्णोद्धार यही ग्राम वासियों द्वारा कराया गया है, श्री आनंद सिंह रावत जी द्वारा करवाया गया है। जो जार मंदिर में सारी व्यवस्थाएं उन्हीं के द्वारा संचालित होती हैं। देता हूँ जय माता भद्रकाली, जय अम्बे। इसी के साथ दोस्तों मंदिर के आरती ले लीजिए आप, ये मंदिर मेन माता का मंदिर है। यार गाइस कोविड के चक्कर में शायद यहाँ गांव के लोगों ने और यहाँ के मंदिर समिति ने शायद कोविड के कारण ही इस मंदिर में अभी ताला लगा दिया है। जो अंदर का नज़ारा है वो काफ़ी शानदार है और पीछे आपको एक हिमालय का पूरा दृश्य दिखाया गया है, एक छोटा सा दृश्य पूरे हिमालय का और बीच में है माता रानी की फ़ोटो। तो यार काफ़ी सुंदर नज़ारा है, अगर आप यहाँ आना चाहो तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं कमेंट के माध्यम से, और हम आपको यहाँ लाने की पूरी उचित व्यवस्था करेंगे। तो यार गाइस यह है मंदिर के अंदर का नज़ारा जो काफ़ी आश्चर्यजनक और भव्य है। देखिए मंदिर काफ़ी सुंदर है क्योंकि यहाँ के लोगों के द्वारा और मंदिर समिति के द्वारा काफ़ी मेहनत की गई है मंदिर के लिए, और यहाँ के मंदिर के साफ स्वच्छता को बनाए रखने में यहाँ के लोगों का काफ़ी योगदान है। तो यार गाइज खासकर जी के पंडित जी लोग हैं, इनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है मंदिर में, योगदान किया है इनके कारण मंदिर इतना स्वच्छ है, और वह है इनका काफ़ी एक महत्वपूर्ण भूमिका है पुजारियों की। तो यार गाइज जैसे कि आप पंडित जी को देख सकते हो, इन्होंने लगभग अपना जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण पल इस मंदिर को दिया है और हर रोज़ ये यहीं रहते हैं, यहीं बने रहते हैं मंदिर समिति के साथ, और स्वच्छता और साफ सफाई को लेकर इनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। तो गाइज यार मंदिर काफ़ी सुंदर है, तो यदि आप आना चाहो तो आ सकते हैं हमें कमेंट करके हमारे यूट्यूब चैनल पर। हेलो दोस्तों, तो हमने आपको वहाँ जाके दिखाया गया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड ग्रुप में शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें और वीडियो एंड तक देखिए जरूर।